दर्शनार्थी पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग। एक दिन के लिए करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा होता है, एक दिन वहाँ रहने के लिए। दो दिन से आदमी जाएगा, दो दिन आएगा, एक दिन आएगा, पाँच दिन का मेला हो जाता है वहाँ। पहले नहीं पहुँचेगा तो मेन टाइम पे आप नहीं रह पाइएगा वहाँ। दो दो दिन पहले जाना होगा, टेंट लेना होगा, रहना होगा, खाना पीना लेना होगा, मस्ती करना होगा। और दीघा में क्या है मौसा? दीघा तो समुद्र है, समुद्र तट है। जो बंगाल में समुद्र थोड़ा दूर पड़ता है। हाँ, यहाँ से समुद्र सबसे नजदीक में मैंने आदमी के यूज लायक जो है दीघा ही है। दीघा जहाँ आदमी मतलब घूम फिर सकता है, जहाँ आदमी समुद्र का आनंद ले सकता है। देखने के लिए तो हल्दिया भी है, तो वहाँ बड़ा बड़ा जहाज है, वहाँ तो आप उतर भी नहीं पाएंगे कहीं। समुद्र आपसे नजर ही नहीं आएगा, बस ऐसे देख सकते हैं किनारे, क्योंकि वहाँ तो उतरने का मतलब है कि आप डूब जाएंगे। इतना गहरा है वहाँ तो, सब जैसे बना हुआ है रेलवे का, जैसे प्लेटफार्म है, रेलवे के बगल में ट्रेन का पटरी है, वैसे ही वहाँ भी है, जहाज खड़ा होने के लिए जगह है। अब आप उसके से अगर पानी के पास जाना चाहेंगे तो 50-60 फीट नीचे आप गिर जाएंगे पूरा। इसलिए वहाँ गहराई कितनी है इसकी? ये तो बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग यहाँ GIS एक कॉटन मिल है, वहाँ आए हुए हैं। और कॉटन मिल का पुराना सा गिरा हुआ क्रेन है, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई मिल थी, शायद किसी अंग्रेज व्यापारी की थी। और यहाँ पे पहले जहाज से, नाव वाले जहाज से, पानी वाले जहाज से सामान उतरा करता था। एक क्रेन है और यही क्रेन से माल उतर के यहाँ इन छोटी छोटी रेल लाइनों से जाया करती थी। और ये देखिए, ये एक तरीके से बनाया गया है डॉक तरीके से। देखिए नीचे के जो पायलॉन्स हैं